उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा लाउडस्पीकर पर बैन लगाए जाने के बाद परमिशन प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है। 6 टेबलों से होकर गुजरती है परमिशन की फाइल, जिस कारण नाहक हो रहा समय बर्बाद। प्रदेश भर में हजारों लाइट माइक साउंड सर्विस के कारोबारी भुखमरी के शिकार होने लगे हैं। महंगे दुकान किराए, महंगी लेबरों की तनख्वाह, गोदाम में भरा लाखों के इंस्ट्रूमेंट का ब्याज, बैंकों से लिया गया कर्जा और अपने घर के खर्चे के चलते प्रदेश के सभी जिलों, शहरों, कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले साउंड लाइट सर्विस के धंधे से जुड़े हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के यहाँ चूल्हे बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसी को लेकर आज लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय पर लाइट साउंड सर्विस के धंधे से जुड़े कारोबारियों ने समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी खीरी को संबोधित ज्ञापन सौंप कर परमिशन प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए लखीमपुर खीरी से अनूप कुमार वर्मा की रिपोर्ट।